तो ये अप्रत्याशित नहीं है, ये होना ही। शुरुआती के दिनों में ही डॉक्टर लोग हमसे बात करते थे, डॉक्टर लोगों से हम भी बात करते थे, आज एक साझा करते थे। तो उन लोगों ने हमें उस समय ही बताया था कि जब जुलाई समाप्त होते होते ये बिल्कुल तेजी से आगे बढ़े, और उसके लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना है, क्या करना, तो ये सारी चीजों को लेकर के लोग हमको सुझाव भी देते थे, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखते थे, और जब विधानसभा चल रहा था उस समय हमने हाउस में भी बात कि हम यो अपने मन से कोई हमने नहीं उठाया था, कुछ डॉक्टरों से बातचीत करते कुछ समझ करते। और जैसे जैसे डॉक्टरों ने हमें बताया था कि कब क्लाइमेक्स करोगे, कब कितना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सब कुछ सब, लेकिन सरकार को उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए था, वो नहीं तैयार। तो उस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पर सब पानी की, बिजली की, शौचालय की, या खाने पीने की जो सामान है समझ उसको अधिक से उपलब्ध करा। आज तो कुछ दिन पहले कुछ पेशेंट के लिए हम लोग देखे कि पता करने लगे कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं था, ये काफ़ी परेशानी हुई लोगों को, यहाँ से वहाँ जा रहा है, बीच का देखिए कोई एडमिट नहीं हो पाया, तो वो पेशेंट मर गए। तो कहने का अर्थ है कि इस कोरोना से जो लड़ने के लिए जो तैयारी होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं भाई इसमें कोई दवा नहीं, तो हमको सतर्क और सावधानी ही हमें बचा पाएगी। तो हम सतर्क रह सकते थे, सावधानी बरत सकते थे, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने पहले पूर्ण लॉकडाउन किया। इसलिए पूर्ण लॉकडाउन था कि 2 महीनों तक, ताकि लोग 2 या 2.5 ऐसे कुछ महीनों तक पूर्ण तरह से लॉकडाउन था, ताकि देश भी और पूरे प्रदेश भी उसको अपने आप को तैयार कर दे, क्योंकि अब अनंत काल तक तो सब कुछ आप बंद नहीं रख सकते, और इसलिए धीरे धीरे खोला जा रहा है। लेकिन जिन राज्य सरकार ने, जो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नहीं समझा इन बातों को, खाली हवा में सबको उड़ाते हैं, और जैसे पहले क्या कहते हैं पीपीआई की वेंटिलेटर ये सब देश के अंदर में नहीं, अब इतनी लॉकडाउन के समय में काफी कुछ लोगों ने तैयारी कर ली, अब देश से हम बाहर भी आप भेज रहे हैं, मास्क वगैरह के बारे में लोग उतना जागरूक नहीं थे, सारे लोग बना रहे हैं, सारे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि आज की जो तारीख जो उस समय हमको करना चाहिए था वो हमने, इसलिए आज थोड़ा अपराध, हमारे ये कहना है कि आज भी सरकार बिना विलंब किए दिन रात लग करके उसको काम करना चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर बिना के काम, जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया जाए तो फिर उसको सेंटर में रखना चाहिए, और वहाँ उनकी ठीक से देखभाल हो, उनकी ठीक से इम्यून सिस्टम कैसे बढ़े, उसके लिए उनको जो है खुराक चाहिए वहाँ उनको स्वस्थ करा। तो हमें लगता है इतना काम सरकार को करना चाहिए, फिर से लॉकडाउन करने की मुझे नहीं लगता है, बाकी तो सरकार को निर्णय जो करेगी, सरकार के निर्णय का पालन करने वाले लोगों में चाहिए।